स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तो सबके सब साई के साथ जोड़कर हिंदुओं का पैसा शेरजी में इकट्ठा हो रहा है। तुम्हारे रुपयों को इकट्ठा करके तुम्हारे ही धर्म के नाश के लिए ये धारावाहिक चलाते हैं। अभी तक तो हम उनका आक्रमण झेलते रहे, अब हमको उनके ऊपर करना है। साईं को भगवान मानने वालों पर बेहद नाराज थे जगतगुरु। पीएम मोदी पर सवाल पूछने पर पत्रकार को जड़ा था थप्पड़। शनि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर भड़के थे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने नरसिंहपुर के झोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में रविवार दोपहर 3:30 बजे अंतिम सांस ली। 9 साल की उम्र में घर छोड़ने वाले स्वरूपानंद सरस्वती को 1981 में शंकराचार्य की उपाधि मिली थी। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़े 5 विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बता दें कि 23 जून 2014 को आयोजित धर्म संसद में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने साईं बाबा पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने साईं की पूजा को हिंदू विरोधी बताते हुए कहा था कि उनके भक्तों को भगवान राम की पूजा, गंगा में स्नान और हर हर महादेव का जाप करने का अधिकार नहीं है। इस धर्म संसद में सर्वसम्मति से साईं पूजा का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद उन्होंने 2016 में कहा था कि महाराष्ट्र में सूखे का कारण साईं की पूजा है। आपको बता दें कि 23 जनवरी 2014 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक पत्रकार को थप्पड़ जड़ दिया था। जबलपुर के सिविक सेंटर स्थित बगलामुखी देवी मंदिर में एक टीवी मीडिया के पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित सवाल पूछा था। इस पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती भड़क गए और उसे झापड़ मारने की कोशिश की। विवाद बढ़ने पर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि उन्होंने किसी को झापड़ नहीं मारा, वो सभी से प्रेम करते हैं। शनि सिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर कहा था दुराचार बढ़ेंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र के शनि सिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिलने पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि महिलाओं को शनि के दर्शन नहीं करना चाहिए, शनि की पूजा से उनका अनिष्ट हो सकता है। उन्होंने कहा था कि शनि दर्शन से महिलाओं का हित नहीं होगा, बल्कि इससे उनके साथ होने वाले रेप जैसे अप्रिय घटनाएं बढ़ेंगी। आपको बता दें कि स्वामी स्वरूपानंद ने 2019 में पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारों पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की आक्रोशित प्रतिक्रिया पर उनका बचाव करते हुए कहा था कि वो राम का नहीं बल्कि भाजपा का विरोध कर रही हैं। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जनता को मूर्ख बनाने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि अब हमने किसी और स्थान पर मंदिर बनाने का फैसला कर लिया है। इस बयान के बाद स्वामी स्वरूपानंद विवादों में फंस गए थे। अप्रैल 2016 में बैसाखी और अर्धकुंभ मेला स्नान के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने तीर्थयात्रियों पर बयान देकर विवाद को जन्म दे दिया था। उन्होंने केदारनाथ और उत्तराखंड में आई आपदा के कारणों पर बात करते हुए कहा कि गंगा में लगातार बनाए जा रहे बांध, अलकनंदा नदी में बांध बनाकर धारी देवी के मंदिर को डुबो देना और तीर्थयात्रियों का पवित्र स्थल पर आकर होटलों में भोग विलास करना त्रासदी के प्रमुख कारण है। तो ये तो रहे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद महाराज से जुड़ा हुआ ये 5 बड़ा विवाद। इन 5 विवादों में से आपको किसके बारे में जानकारी थी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।